आविष्कार में दबांची हुई। साउथ दिल्ली के कई इलाकों में अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के लिए एमसीडी का बुलडोजर निकल चुका। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद से ही कहा जाने लगा था अगला निशाना अब शाहीन बाग के अवैध कब्जों पर होगा, और हुआ भी ऐसा ही। दो दिन पहले ही शाहीन बाग के अवैध कब्जों को बुलडोज करने के हवाले से साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर ने ऐलान कर दिया था। उसके बाद एमसीडी के कर्मचारियों ने शाहीन बाग जाकर वहां के इलाके का मुआयना भी किया। उसके बाद से ही अब वहां के फर्नीचर बाजार में अफरा तफरी मची हुई। वहां के दुकानदार खुद ही अपना सामान हटाने लगे हैं, जो आमतौर पर सड़क के बाहर अपना सामान फैला कर रखते हैं। आपको बता दें कि एसडीएमसी के द्वारा आज ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना है। एसडीएमसी के इस एक्शन को दिल्ली पुलिस की तरफ से जोरदार झटका लगा। सरिता विहार के एसएचओ राकेश कुमार ने एसडीएमसी को पत्र लिखकर बताया है कि दिल्ली पुलिस के जवानों की पहले से दूसरी जगहों पर तैनाती है, जिसकी वजह से वो अतिक्रमण हटाने वाले एक्शन के लिए आज सुरक्षा बल के अतिरिक्त तैनाती सरिता विहार में नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए एसडीएमसी कम से कम 10 दिन पहले जानकारी दे। आपको बता दें कि एसडीएमसी ने आज अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाने की जानकारी दी। ये भी बताया गया था कि सड़कों पर अवैध पार्किंग और अवैध रेहड़ी पटरी विक्रेताओं पर यह एक्शन होगा। मेयर ने कहा था एक सर्वे किया गया था जिसकी रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। कहा गया था कि ये सर्वे सरिता विहार, जैतपुर और मदनपुर खादर इलाके में हुआ था। एसडीएमसी के मेयर ने यह भी आरोप लगाया था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने बहुत जगहों पर कब्जा किया हुआ है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अब एसडीएमसी ने अवैध कब्जों को हटाने का पूरा मन बना लिया और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। एसडीएमसी के कार्रवाई का खौफ ही है कि शाहीन बाग में जो दुकानदार सड़कों पर अपना फर्नीचर का सामान फैला कर रखते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है, अब ये दुकानदार खुद ही अपना सामान हटा रहे हैं।